अकबर, तुम्हारे ताया का फोन आया था, कह रहे थे कि शहजादी की शादी तय कर दी है और लड़का पायलट है, जहाज उड़ाता है जहाज। हाँ तो जाहिर सी बात है, पायलट है तो जहाज ही उड़ाएगा ना, रक्षा तो उड़ाने से रहा। बस फजूल बातें करवा लूं तुमसे। और जहेज में ना वो कैंट वाला फ्लैट भी नाम कर दिया है, बाकी लेन देन वो अलग चल रहा है भाई। हाँ तो अच्छी बात है, शहजादी की शादी वैसे भी अब हो जानी चाहिए, काफी उम्र हो चुकी है उसकी, तलाक याफ्ता औरतों का निकाह सवाब का काम है, होना चाहिए। तो भैया ये सवाब तुम कमा लेते ना, खूबसूरत बीवी के साथ साथ जायदाद भी मिलती और औलाद की नेमत भी। अम्मा जब भी तुम्हारे पास बैठो ना तो एक ही बात सुनने को मिलती है, शहजादी को अपना लो तबस्सुम को छोड़ दो, बैठना छोड़ दूं क्या? तो कौन सा मैं गलत कहती हूँ, इस औरत ने तुम्हें दिया क्या है? हम आज एक बात सुन लो, जहन नशीन करो, मैं तबस्सुम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता उसे, बीवी है वो मेरी, उसके अलावा मैं किसी दूसरी औरत का नहीं सोच सकता। भाई मैं कह रही हूँ कि शहजादी से शादी कर लेते, अल्लाह औलाद की नेमत दे देता, लेकिन नहीं, सारा वक्त तबस्सुम को अपने साथ चिपका कर रखना है। ये आपका शहजादी नामा खत्म हो गया हो तो खाना लगा दो। हाँ लगा दो। कहाँ जा रहा है? तुम हिलाता हुआ निकल गया, अब जाके बेगम के साथ प्लेटें लगवाएगा, जनमुरीद कहीं का, इज्जत बिल्कुल रास नहीं आती इस कमबख्त को, बिल्कुल बाप पे गया है। मम्मी ये आपका सखारा कब पूरा होगा? तुम्हें कोई लिहाज शर्म है कि नहीं? तुम्हारी भाभी घर में बीमार पड़ी है, तुम्हें अपनी लगी हुई है, इन्हीं हरकतों की वजह से उस दिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हें डांटा था। मामी आप मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रही है? क्यों? लुबना ने तुमसे सवाल कर करके तुम्हारी जरूर जान खाई हुई होगी, तभी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। सबर कर जाओ, सामिया की जरा तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम खुद जाएंगे ना वहां पे। मम्मी आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। देखा भाभी बिल्कुल ठीक है, अब बताओ जो परेशान हो रही थी। ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, मुझे आज रात इस्तखारा करना है, जो जवाब आएगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है? जल्दबाजी ना करो मेरे साथ। फरिया, हेलो फरिया, कैसी हो? भाई तुम तो अपनी आंटी को भूल ही गई, ना कोई खैर ना कोई खबर। हाँ नहीं नहीं आंटी, आपको पता है ऑफिस की मसरूफियात, और फिर मम्मा ने भी बहुत प्रेशर डाला हुआ है शादी करने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी ना सिर्फ अरसलान से ही होगी, बता देती हूँ मैं। इसीलिए तो आप मेरी फेवरेट आंटी है।